डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटेंसी लर्निंग मेड इजी। बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, इशू ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम, कि वो शेयर इशू जो हमने प्रीमियम पर किए हैं इशू। प्रीमियम पहले तो होता क्या है, ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है। जैसे 10 वाला शेयर 2 रुपये एक्स्ट्रा पर किया गया इशू पब्लिक को, तो उसको हम प्रीमियम पर कहते हैं। ये प्रीमियम को यूटिलाइज किया जा सकता है कई चीज़ों को यूज़ करने में, कई एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में। मैंने वो लास्ट वीडियो में करा दिया था, और मैंने लास्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिए थे क्वेश्चंस। आज जो है मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रही हूँ, चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। आपको डीके गर्ल की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 पहले मैं पढ़ के समझा रही हूँ। पुष्कर लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। एक कंपनी है जिसका नाम पुष्कर लिमिटेड है, उन्होंने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 5 लाख के शेयर इशू के 10 रुपये वाले 3 रुपये प्रीमियम पर। तो प्रीमियम समेत हमारा शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 30 रुपीज़। जो फेस वैल्यू है उसकी शेयर की 10 रुपये है, और प्रीमियम समेत 13 रुपये होगी। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा अमाउंट एप्लीकेशन पर आ गया। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, पूरे के पूरे सब्सक्राइब कर लिए गए शेयर्स किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, 5 जनरल एंट्रीज। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है बेटा जिसमें एक ही टाइम में सारा पैसा आ जाता है, तो सिर्फ आपने 2 एंट्रीज करनी है, एक एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की। पर आपको ये सिचुएशन बता दो, इसको हम लमसम कहते हैं। लमसम ना एक ही बार में पैसा आ जाना। तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन की एंट्रीज तो होंगी 2, लेकिन हम आगे एंट्रीज नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल की नहीं करेंगे, फाइनल कॉल की नहीं करेंगे। पर ये ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर लमसम आ जाता है, एक ही बार में सारा पैसा आ गया, तो उस सिचुएशन में हम जब एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसके साथ हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चे पूछते हैं, मैम क्यों पहले एंट्री तो हम एप्लीकेशन वाली करते थे, आप साथ में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि बेटा देखो, अकेली एप्लीकेशन कभी भी नहीं होती, क्या है एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट होती। कौन सी सिचुएशन है, लमसम के केस में। लमसम मतलब एक ही बार में आ गया। वैसे मैंने पिछले जो वीडियो के अंदर कराया था साम क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, उसमें एप्लीकेशन मनी अलग थी, अलॉटमेंट मनी अलग थी, फर्स्ट कॉल मनी अलग थी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अलग थी। लेकिन यहाँ पर एक ही बार में सारा पैसा आ गया, 13 रुपये आ गए हैं, 5 लाख के शेयर्स हैं, तो 65 लाख रुपीज़ आ गए हैं। तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख × 13 = 65 लाख। और जो दूसरी एंट्री करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 5 लाख × 13 तो हम डाल देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 5 लाख × 10 = 50 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 लाख × 3 = 15 लाख। तो अभी मैं इसको सोल्यूशन करके बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। तो लमसम का मतलब क्या है, एक ही बार में सारे पैसे आ गए हैं, तब एप्लीकेशन सिंगल नहीं लिख सकते उसको वर्ड, वहाँ पे कौन सा वर्ड लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बनाइए बेटा सबसे पहले जर्नल ओ पुष्कर लिमिटेड, जर्नल ओ पुष्कर लिमिटेड, ये याद ना, क्योंकि जब लमसम है एक ही बार में सारा पैसा आ गया तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज होनी है। तो लिखिए सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बना लीजिए, एल एफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में हमेशा रुपीज लिखिए दोनों तरफ, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, ठीक है। अब सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होती है, तो आप लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। मैंने अब इक्विटी वर्ड क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अपने आप ही लिखना है आपने, क्योंकि जब अप्लाई हुए शेयर जब तक अलॉट नहीं होंगे तो वो हमारे मेंबर ही नहीं बनेंगे शेयर होल्डर। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा, 5 लाख है और 13 रुपीज का शेयर है, वैसे तो 10 रुपये का 3 रुपये प्रीमियम है, तो 65 लाख आ जाएगा, 65 लाख।
5,13,65 lakh आपके भी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, इसी के सामने लिख दीजिए बच्चे 65 लाख। बीन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमें एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, रिसीव्ड हो गई, मिल गई है, ठीक है, कंपनी को पैसे मिल गए, लमसम पेमेंट हुई, एक ही बार में सारा पैसा आ गया है। तो एप्लीकेशन अकेला नहीं लिखते, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट लिखते हैं। अगली एंट्री लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब जितना आपने लिखा था किसमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में, वही सॉरी टू में लिखा था ना, कितना लिखा था आपने 65 लाख, सेम लिख हो गया 5,13,65 lakh। और हमारे जो शेयर्स हैं कितने, 5 लाख इंटू नंबर फेस वैल्यू ऑफ शेयर दैट इज 10 रुपीज, 5,10,50 lakh, ठीक है। ये आगे इक्विटी शेयर के अक्सर का होंगे सामने। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, आप देखिए हमारे कितने शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स हैं, 3 रुपये का क्या है प्रीमियम है, तो कितना आ जाएगा 15 लाख, 5,15,50 lakh। बीन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू ऐसा बीन एप्लीकेशन मनी अलोंग विद सिक्योरिटी प्रीमियम, along with security premium SPR in the demo shop from security premium reserve transferred to share capital account, हमने share capital account में transfer कर दी है security premium समेत, ठीक है। ये question हो गया बेटा complete। ये कौन सी situation थी जब लमसम payment एक ही बार में पैसा आ जाता है company को public के द्वारा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सुनो पहले। किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। जो किरण टेक्सटाइल लिमिटेड है 50,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपये वाले 4 रुपये प्रीमियम पर, तो ₹14 का शेयर हो गया। एंड 2006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोस। और दूसरी जो है शेयर्स की क्या टाइप है, 2000 शेयर्स हैं। अब 6% प्रेफरेंस जो लिखा हुआ है, 6% का मतलब कि इनकी डिविडेंड की परसेंटेज दी हुई है। हमने डिविडेंड की तो चलो एंट्री नहीं करनी, पर हम प्रेफरेंस शेयर के आगे 6% लगाएंगे, वो पार पर 100 वाला 100 में ही दे रहे हैं। दो तरह के टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये पहले 4 प्रीमियम यानी 14 रुपये में दे रहे हैं इशू कर रहे हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर है 2000 वाले प्रेफरेंस 100 वाले 100 में ही दे रहे हैं एट पार है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर की 3.50 है, प्रेफरेंस शेयर की 30 रुपीज़ है, अलॉटमेंट की 6.50 है, प्रीमियम समेत है, तो प्रीमियम 4 रुपये है, तो बिना प्रीमियम के अलॉटमेंट 2.50 होगी, प्लस 4 लिख देंगे हम, 2.50 जो है किसका होगा अलॉटमेंट का होगा बिना प्रीमियम के, प्लस 4 जो है प्रीमियम का, कुल मिला के 6.50 हो गया। और प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू है अलॉटमेंट की 20 रुपीज़ है अलॉटमेंट मनी, और इक्विटी शेयर की फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ है और प्रेफरेंस शेयर पर 25 रुपीज़ है, फाइनल कॉल इक्विटी शेयर्स की 2 रुपीज़ है और प्रेफरेंस शेयर की 25 है। और कहा क्या गया, ऑल दीज शेयर वर फुली सब्सक्राइब कॉल्ड अप एंड पेड अप, सारे के सारे बुला भी लिए सब्सक्राइब कर लिए गए, यानी कि पब्लिक सारे लेने को तैयार है, इशू शेयर जो है वो सब्सक्राइब कर लिए गए सारे के सारे, बुला भी लिए गए सारे, पे भी हो गए। ऑल दीज ट्रांजेक्शन इन जनरल एंड कैश बुक, ये वाली ट्रांजेक्शन को हमने जनरल में भी लिखना है, कैश बुक बनानी है बेटा। एक बात ध्यान रखना, जब भी हमें कैश बुक बनाने को कहा जाए पेपर में जब आ जाता है, तो जितनी भी आपने बैंक की एंट्रीज करनी है ना, वो जनरल में नहीं करनी। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में
कैशियो बनाने को आ जाए ना, तो जितनी भी एंट्रीज बैंक से रिलेटेड अब हम जनरल में नहीं करेंगे। जैसे हम 8 एंट्रीज करते हैं ना, तो 4 एंट्रीज करेंगे, जो बाकी 4 एंट्रीज है बैंक से रिलेटेड वो सारी की सारी कहाँ पर चली जाएगी, कैश बुक में चली जाएगी। तो बेटा आप क्या बनाएंगे, जर्नल, लिखो जर्नल ऑफ किरण टेक्सटाइल। तो बेटा अब हम बनाएंगे जर्नल, लिखेंगे जर्नल ऑफ किरण टेक्सटाइल लिमिटेड। किरण टेक्सटाइल लिमिटेड जो है कंपनी का नाम है, फॉर्मेट क्या है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले हमें क्या होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तो ये एंट्री हम जर्नल में नहीं करेंगे क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया है। तो हम ये वाली एंट्री, जितनी भी मतलब बैंक से रिलेटेड एंट्रीज है वो सीधा हम कैश बुक में करेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो हम सेकेंड एंट्री करते थे, कौन सी एंट्री होती है, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, साथ में हम क्या लिखेंगे, दो तो इकट्ठी कर देंगे, 6% प्रेफरेंस शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर इसको स्पेस थोड़ा सा बना देती हूँ मैं आपको एलएफ का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कुछ बच्चे ये एंट्री अलग अलग कर सकते हैं, मतलब जिनको कंफ्यूजन रहती है वो अलग कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अलग कर सकते हो, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी अलग कर सकते हो। मीन ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों इकट्ठी करना चाहते हैं, दोनों का तो टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हम क्या करते हैं दोनों एप्लीकेशन मनी जो हमारी ट्रांसफर करनी है शेयर कैपिटल में वो दोनों इकट्ठी कर दी, इक्विटी शेयर अलग है हमारे, प्रेफरेंस शेयर अलग है, तो इनकी एप्लीकेशन मनी जो हमने ट्रांसफर कर देनी कि इसमें इनकी शेयर कैपिटल में, जैसे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की मनी इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगी। तो अब आप देखिए हमारे नंबर ऑफ शेयर जो हमारे 50,000 है, ठीक है, 50,000 जो हमारे क्या है शेयर्स हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.50 क्या है बेटा, ये हमारी एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, ये मैंने 100 जो 0.50 का लगा दी कर लो, तो आप लिखिए 165,000 आ जाएगा। दोबारा मैं चेक कर देती हूँ, 2 जीरो कट हो गई, 1, 2, 3 जीरोस लगा दी मैंने, 1,75,000 आप एप्लीकेशन मनी में लिख देंगे, 1,75,000। उसके बाद हमारे जो शेयर्स हैं प्रेफरेंसेस हमारे 2,000 हैं और मनी कितनी हमारी 30 रुपीज है, तो कितनी आ जाएगी, 60,000, तो आप इसमें लिख देंगे। लेकिन हमारी जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की मनी कितनी ट्रांसफर होगी, 1,75,000 ट्रांसफर होगी किसी अंदर शेयर कैपिटल में, और ये वाली 60,000 जो है ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, ये ट्रांसफर हो जाएगी बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, यही आ रहा है सेम, आप देखिए बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने ट्रांसफर कर दी है। अब आपको पता है अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है, तो आप लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट दोनों शेयर्स पर डेबिट होगी, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स है चाहे वो इक्विटी शेयर्स है, तो लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट फिर हमारे कौन से शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर टू लिखते हैं, समझ लेना कि ये वाली मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
और दूसरी बात समझ लो इस क्वेश्चन में हमारे इक्विटी शेयर्स के साथ क्या सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा किसके साथ है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा शेयर कैपिटल जो है हमारी इक्विटी शेयर के साथ है, तो हमने टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दिया। और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट की मनी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोबारा समझ लो कि जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की मनी है ट्रांसफर हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल में और SPR में। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट की मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो अब ये पॉइंट समझना है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आप देखिए 50,000 जो शेयर्स हैं, ठीक है, उसको 6.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, ये हटा देते हो पॉइंट, तो ये कर लीजिए, कट कर दो, थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ गया, 3,25,000 आ गया। और जो हमारी ये वाली है क्या कहते हैं अलॉटमेंट है, ये हमारी 2000 शेयर्स हैं, हमारे 2000 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। अब ये ट्रांसफर करते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं, 50,000 शेयर्स हैं और हमारी प्रीमियम कितना, 4 रुपये है, तो ये कितना, 2.5 रुपये हो गया। देखो हमारे पास टोटल जो प्रीमियम समेत 6.5 रुपये है, 6.5 में से प्रीमियम हमारा कितना, 4 रुपये है, तो बिना प्रीमियम के 2.5 रुपये की हमारी क्या होगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब करिए, ठीक है, 1,25,000 आ जाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, और 4 रुपये हमारे किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, तो आप करो 50,000 × 4, 2,00,000 आ जाएंगे हमारे SPR में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, 3,25,000 है ना टोटल, तो 3,25,000 में से हमारे 2.50 जो है मल्टीप्लाई होंगे 50,000 × 2.50, 1,25,000 शेयर कैपिटल में, और SPR भी कितना जाएगा, 50,000 × 4, 2,00,000। अब ये जो लिखना जा रही हूँ ये तो उतना ही रहेगा 40,000, ये क्या है बेटा, 2000 शेयर्स है और 20 रुपये वाली क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी है, तो अब लिखिए बीन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमारी अलॉटमेंट मनी क्या हो गई है, ड्यू हो गई है। अब रिसीव वाली एंट्री आपने नहीं करनी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि एंट्री कहाँ पर करनी है, आपने कैश बुक के अंदर करनी, क्योंकि जितनी भी बैंकिंग एंट्रीज हैं वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, कैश बुक में डायरेक्ट जाएंगी। अब आगे चले, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, अब बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। अब बेटा हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल मनी मंगाने की, तो आप लिखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 6%। 6% क्या है, ये रेट ऑफ डिविडेंड होता है, हमने सिर्फ इसके साथ लिखना है, अभी पेमेंट के बारे में बात नहीं करनी है। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में शेयर लिखी हूँ, अब लिखना है SHAR शेयर। तो अब आप देखिए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है, 2 रुपीज़ हमारी फर्स्ट कॉल है, तो 1,00,000 आ गया, 50,000 × 2, 1,00,000। अब आप देखिए हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 2,000 × 25, 50,000 आ गया। ठीक है, जो ये 1,00,000 है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, इक्विटी शेयर फर्स्ट की मनी जो है ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, क्या शेयर कैपिटल में, ऐसी जो प्रेफरेंस शेयर की जो मनी है फर्स्ट कॉल की जो ड्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, ड्यू कह सकते हैं इसको, किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वाली प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी वाली इक्विटी में। देखो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी क्या कहती है, ड्यू, ड्यू मतलब मंगानी है, अभी आउटस्टैंडिंग होगी।
अब बात करते हैं हम कौन सी कॉल है हमारे पास फाइनल कॉल लिखी हुई है, तो पहले ड्यू कर दो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6% प्रेफरेंस शेयर देखिए 6% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट फाइनल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 6% प्रेफरेंस 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिखिए 2 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए आपकी फाइनल कॉल मनी कितनी है, इक्विटी शेयर्स पर 2 रुपये है, 50,000 शेयर्स हैं तो 1 लाख आ जाएगी 1 लाख ठीक है। और हमारे प्रेफरेंस शेयर 2,000 उसके ऊपर 25 रुपीज है क्या मनी, सेकेंड कॉल मनी 50,000 आ जाएगी, कैसे आई 25,000 50,000 तो ये वाली मनी हमारी ट्रांसफर हो जाएगी 1 लाख वाली मनी ट्रांसफर हो गई, ये वाली 1 लाख किसमें ट्रांसफर होगी शेयर कैपिटल में, और जो फाइनल कॉल की प्रेफरेंस शेयर की मनी 50,000 है वो कौन सी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कॉल में ट्रांसफर हो जाएगी। आप लिखिए बीन कौन सी मनी है ये फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब मैंने रिसीव वाली एंट्रीज नहीं बताई इन दोनों की, रिसीव वाली एंट्री कहाँ जाएगी बेटा, वो जाएगी हम कैश बुक बनाएंगे तो उसके अंदर जाएगी, तो अब बनाइए बेटा कैश बुक उस तरह ही बनेगी जिस तरह हमने बैंक अकाउंट बनाया था, बस इतना फर्क है जब क्वेश्चन में बैंक अकाउंट कहा जाए तो बैंक की एंट्रियां होती हैं जनरल में, लेकिन जब कैश बुक कहा जाए तो कैश बुक बनाते वक्त जितनी भी बैंक की एंट्रीज है वो हम जनरल में नहीं करते। मैं दोबारा बता रही हूँ क्या कह रही हूँ कि जब हम कैश बुक पूछा क्वेश्चन के अंदर तो जितनी भी बैंक की एंट्री है वो हम जनरल में नहीं करते, वो डायरेक्ट कहाँ पर डालते हैं वो हम डालते हैं कैश बुक में। तो बनाइए सबसे पहले कैश बुक, अभी क्वेश्चन जो है 8 ही चल रहा है, कैश बुक डेबिट साइड बेटा क्या आती है रिसिप्ट आती है और क्रेडिट साइड क्या आती है पेमेंट आती है, तो हम लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है फिर लिखो पर्टिकुलर अमाउंट ये साइड पेमेंट साइड है क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड क्या रिसीप्ट साइड है, तो लिखिए सबसे पहले पहले आपको क्या रिसीव हुई थी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, तो लिखिए 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे 2 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देखिए आपने जनरल में क्या लिखा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, आपने लिखा था 50,000 इंटू 3.50 1,75,000 था इसमें ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर कितने थे 2,000 इंटू 30 60,000 ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी मनी आएगी, हमारी आएगी अलॉटमेंट मनी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं अलॉटमेंट की मनी कितनी लेंगे वो 2.50 लेंगे, पर नहीं बेटा 6.50 लेना है ठीक है, किसका 50,000 के ऊपर
मैंने ये वैसे पहले बताया था, मैं फिर दोबारा से बता रही हूँ। रिसीव होगी। अगर मैं वैसे बताऊँ इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्योंकि हमें कैश बुक बनाने को कहा गया था। अगर मान लो कैश बुक ना कहा जाता तो हम ये एंट्री इकट्ठी करते कहाँ पर, जनरल में ही करते, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर 2000 थे, इनटू 20 जो है अलॉटमेंट बनी थी तो 40,000 आ गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमारी कितनी आई थी 1 लाख जो ड्यू की थी हमने। ठीक है, 50,000 × 2 1 लाख रिसीव भी तो पूरी ही होगी क्योंकि सारे पैसे आ गए हैं। फिर हम बात करें 2.6% प्रेफरेंस शेयर, शेयर शॉर्ट फॉर्म में निकले में फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आया था बेटा 50,000। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फाइनल कॉल की, तो इसकी एंट्री भी यही थी, हम एंट्री करें इकट्ठी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो एंट्री तो चलो नहीं कहा गया था, हम ये अमाउंट कहाँ पर सीधा डाल देंगे कैश बुक में, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, वही सेम 1 लाख ही आया था, इसमें भी आप डी ओ वाली एंट्री चेक कर सकते हैं 1 लाख। फिर हम बात करें 2.6% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 50,000, आप चेक कर सकते हैं जनरल में, सारी की सारी मनी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रिसीव हो गई है। अब आप इसका करो टोटल, रेड शर्ट तो कुछ दिया नहीं हुआ, मतलब कोई पेमेंट तो हमने की नहीं है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब इसका टोटल करते हैं, नाइन लैख टोटल आ गया इसका, इधर का हम लिख देंगे 9 लैख। हमारी कैश बुक अभी कंप्लीट हो गई है। यही याद रखना कि जब भी हमें क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को कहा जाता है तो जितनी भी बैंक की एंट्रीज हैं, जैसे 4 एंट्रीज होती है यहाँ पर बैंक की, तो वो हम कहाँ पर कर देंगे, वो सीधा ही हम कैश बुक में ले जाएंगे, वो हम जनरल में नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, बेटा अब हम एक ऐसी सिचुएशन करेंगे, कौन सी, जिसके अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन आ जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, अंडर सब्सक्रिप्शन ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कंपनी जितने शेयर इशू करती है पब्लिक उससे कम चाहती है। कम मतलब कि जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और कम जो पब्लिक है 1 लाख से कम शेयर चाहती है, जैसे मान लो 90,000 चाहती है, 95,000 चाहती है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन है। लेकिन ये याद रखना हमेशा कि कंपनी को जैसे जितने शेयर इशू किए तो सब्सक्राइब्ड जो है शेयर्स वो कम से कम 90% होने चाहिए। 90% का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 लाख शेयर्स मान लो कंपनी इशू कर रही है, और अगर 90% कितना होता है 90,000 होता है, तक नहीं आते, सब्सक्राइब नहीं करते हमारी पब्लिक, तो कंपनी फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती, कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, मतलब इशू तो कर दिए, कंपनी जो है अलॉट नहीं कर सकती शेयर्स किसको, पब्लिक को, कि मिनिमम जो है 90% होने आने जरूरी है, यानी जितने इशू कर दिए उसका 90% होना जरूरी है। अगर 90,000 या 90,000 से अबव आ जाए, 92 आ जाए, 95 अप टू 1 लाख आ जाए, तो कंपनी फर्दर प्रोसीड करेगी, पब्लिक को अपना क्या बना देगी, शेयर होल्डर बनाएगी, अलॉट कर देगी शेयर्स। लेकिन अगर 90,000 से बिलो आ जाता है तो सिचुएशन में कंपनी क्या नहीं करेगी, शेयर अलॉट नहीं करेगी। अब आगे चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 9 में यह सब करवाने जा रही हूँ जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कानपुर गैस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर, अमाउंट्स वर पेबल एज फॉलोज। कानपुर गैस लिमिटेड है 40,000 शेयर इशू करती है ₹10 वाले एक प्रीमियम पर,
1 रुपया जो प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा, प्रीमियम समेत हमारी शेयर की वैल्यू 11 रुपये हो जाएगी। अमाउंट पर पेबल एज फॉलोज, 2.50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4.50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम समेत है तो 4.50 रुपये में 1 रुपया प्रीमियम है तो बिना प्रीमियम के अलॉटमेंट 3.50 रुपीज होगी, 3.50 रुपये। ठीक है, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, तो अगर आप ऐड करके देखो 2.50 प्लस 3.50 प्लस 2 प्लस 2 10 रुपीज़ बनता है, या अगर आप 4.50 को ऐड करते हो तो 11 बनता है प्रीमियम समेत। एप्लीकेशन वर रिसीव 37,000 शेयर्स, कंपनी ने तो 40,000 शेयर इशू किए थे पर एप्लीकेशन 37,000 आई है, यानी अगर हम बात वैसे करें 40,000 का 90% तो 36,000 तक आ जाते हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, फर्दर प्रोसीड कर सकती है, जो है पब्लिक को अपना मेंबर बना सकती है शेयर क्या करके बेच कर। तो यहाँ पर 37,000 आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, पब्लिक को दे देंगे, कौन दे देगी, कानपुर गैस लिमिटेड दे देगी शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि कर लिए गए हैं पब्लिक के द्वारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जितने मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा ही किए हैं। इफ जनरल एंडेज अज्यूमिंग दैट ऑल सम हैव बीन रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स, ये मानकर चलना है कि सारे पैसे ड्यू डेट पर मिल जाते हैं, तो बेटा सबसे पहले बनाइए जनरल, क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर हमारे 8 की 8 एंट्री जनरल में होंगी क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कैश बुक बनाने को नहीं कहा गया। तो अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, जर्नल ऑफ कानपुर गैस लिमिटेड, कानपुर गैस लिमिटेड, आप ये जर्नल ऑफ कानपुर गैस लिमिटेड, फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट डेबिट क्रेडिट के कॉलम में ₹20 लिखेंगे। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो आप देखिए हमारे नंबर शेयर कितने, 37,000, बच्चे गलती करते हैं 40,000 को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि गलत है क्योंकि हम कभी भी किसको नहीं कर सकते, पब्लिक को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो हमारे शेयर्स ले, तो 40,000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 37,000 से। तो आप लिखिए 37,000 इंटू हमारी जो एप्लीकेशन मनी कितनी है, 2.50 है, तो 2.50 का मैं 100 नीचे लगा रही हूँ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दोबारा सुनो, हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वैसे तो 40,000 इशू किए पर पब्लिक कितने लेने को तैयार है, वो 37,000 लेने को तैयार है, तो उसको हम 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 2.50 का जो 100 है वो नीचे लगा दिया, दोनों जीरो कट हो गई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 37 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया 925, आगे 10 ये 10 ये 92,500, मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है बेटा 92,500। अब हम दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट तो सेम ही रहेगा 92,500 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इतना भी लिख सकते थे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब अगली एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि हमें पता चल रहा है अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, तो प्रीमियम ड्यू करने की एंट्री, जो प्रीमियम है वो कब करते हैं, ड्यू करते हैं अलॉटमेंट के साथ, तो लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट कितना होगा, आप देखिए हमारे 37,000 के शेयर्स हैं और हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी है, 4.50 से मल्टीप्लाई करो तो 450 अपॉन 100 कर दो, तो आप जीरो कट कर दो इसको,
तो कितना आएगा 37 को मैं 45 से मल्टीप्लाई करती हूँ, वन सिक्स सिक्स फाइव डबल जीरो। दोबारा चेक करती हूँ, ठीक है 1665 00। अब आप देखिए हमारी अलॉटमेंट वैसे कितनी है, अलॉटमेंट मेरी 3.50 है, तो हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा कि मैंने ठीक किया या नहीं। तो 37,000 को पहले आप 3.50 से मल्टीप्लाई करोगे, 3.50 का 100 मैंने नीचे लगा दिया तो कितना आएगा, 37 को आप 35 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 1295 00, 1295 00। उसके बाद 1 रुपये हमारा प्रीमियम है तो 37,000 आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो कि आपने ठीक है या नहीं, आप उसको प्लस करके देखो, यही आ जाएगा 1665 00। आप लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी अलोंग विद प्रीमियम ड्यू। हमारी जो सिक्योर वो है क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है प्रीमियम के समय। तो अब बेटा अगली एंट्री करते हैं, लिखिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा, कि हमारी जो अलॉटमेंट मनी क्या हो जाएगी, हमें रिसीव हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लिखो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा हम अगली एंट्री करेंगे, लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,66,500 being allotment money received, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की, लिखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक इसकी एंट्री करी है मैंने जब फर्स्ट कॉल मनी क्या की है, ड्यू की है, दैट इज 37,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज हमारी क्या है 74,000 में फर्स्ट कॉल मनी हम क्या कर देंगे, ड्यू कर देंगे 74,000, ठीक है। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसके बाद हम रिसीव की एंट्री करेंगे, हम एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट आ गया क्योंकि सारे के सारे पैसे मिल गए हैं, दैट इज 74,000, ठीक है। Being first call money received, first call money हमें क्या हो गई है, मिल गई है। अब बात करते हैं बेटा हमारे को final call मंगानी है कंपनी ने, तो आप एंट्री करिए final call मंगाने की equity share final call account debit टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शाबाश लिखिए इक्विटी शेयर जो फाइनल कॉल है वो भी 2 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर कितने 37,000, तो सेम अमाउंट ही आएगा। आप लिखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, ये हम क्या कर रहे हैं फाइनल कॉल मनी मंगवा रहे हैं शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग, अभी अमाउंट लिख रही हूँ बेटा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू कितनी आएगी, 37,000 और 2 rupees हमारी फाइनल कॉल है तो कितनी आएगी 74,000। ठीक है, अब आप करेंगे रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सेम आ गए सारे के सारे क्योंकि आ गए 74,000, इसकी सीट में लिखी बेटा 74,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बस हमें जनरल ही पूछी थी, हमने जनरल बना दी, पर आपको मैं वैसे बता देती हूँ कि हमारा बैंक बैलेंस कितना बनेगा। बैंक बैलेंस में हमारा पहले तो बैंक में क्या आया, एप्लीकेशन मनी आई थी, ठीक है 92,500, ठीक है, और हमारी क्या आई थी 166,500 की अलॉटमेंट मनी आई थी, 74,000 की फर्स्ट कॉल मनी आई थी, 74,000 की हमारी फाइनल कॉल मनी आई थी। आंसर चेक कर लीजिए, कैश बैंक 4,07,000 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम शेयर कैपिटल का टोटल चेक करें तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा, शेयर कैपिटल में हमारा 3,70,000 आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है वो आप जब जब आपने देखा, सारी आप बात करिए शेयर कैपिटल की, पहली शेयर कैपिटल हमारी कितनी थी 37,000 × 25, वो तो यही आई थी 92,500, लेकिन जो हमारी अलॉटमेंट मनी थी ना प्रीमियम के बिना 2,500 थी, आपने 2,500 से मल्टीप्लाई किया था। अब मैं यहाँ पे फिर भी कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास सिस्टम वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, 37,000 × 2.50, या आप एंट्री में भी देख सकते हैं मैंने 2.50 कैसे लिया है, सॉरी 3.50, 4.5 में से 1 rupee प्रीमियम था और ये हमारा आया था, मैं अभी बताती हूँ, मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था। वैसे भी 37,000 की प्रीमियम था। अच्छा उसके बाद हम करें 74,000 ये फर्स्ट कॉल बनी है, पर कौन सी बनी है फाइनल कॉल है, फीडबैक 70,000 मैंने आंसर चेक किया तो आ गया, समझ आ गया आपको, ये मैंने वैसे बता दिया है कि कैपिटल में कितनी मनी आएगी, जितनी जितनी टू शेयर कैपिटल आया है, जैसे एप्लीकेशन मनी में आया है, अलॉटमेंट मनी में आया है, फर्स्ट कॉल में आया है, फाइनल कॉल में आया, तो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर हमने लमसम पेमेंट के बारे में बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर दो तरह के शेयर्स दे रखे थे और हमें कैश बुक बनाने को कहा गया था, तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया था, बैंकिंग एंट्री सारी की सारी कैश बुक में करी थी। और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है अंडर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड था कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं पब्लिक उससे क्या चाहती है, कम चाहती है। तो सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।